भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने जिस प्रकार चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार के नाम पे वोट मांगे थे, युवाओं के साथ छल व कपट किया है, उस पोपाबाई सरकार के खिलाफ आज हम पूरे राजस्थान प्रदेश के एनएसओ लामबंद होगी एनएसओ कार्यालय बनी पार्क से एक बड़ी सभा का आयोजन कर हम रैली के रूप में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और इस पोपाबाई को जता देंगे कि राजस्थान प्रदेश का युवा एक हो चुका है, आपके झूठ और पाखंड लोगों के सामने आ चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जो ये राजस्थान का युवा लामबद्ध हुआ है, ये पोपाबाई की सरकार को खाट फेंकेगा। आज राजस्थान एनएसओ द्वारा जिस प्रकार भाजपा सरकार और वसुंधरा राजे जी का रवैया छात्रों के प्रति रहा है, युवाओं के प्रति रहा है, 4.5 साल के अंदर इन्होंने युवाओं के लिए एक काम भी नहीं किया। जिस प्रकार ये सत्ता में आई तो युवाओं से वादे किए थे कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इस सरकार ने 17,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, शिक्षा का निजीकरण करने का काम किया। और अब राजस्थान का छात्र इस सरकार से जवाब चाहता है कि इस सरकार ने छात्रों के लिए 4.5 साल के अंदर किया क्या है। तो इसको लेकर आज एनएसओ राजस्थान ने एक छात्र आक्रोश रैली और जवाब दो हिसाब दो का आयोजन एनएसओ प्रदेश कार्यालय बन्नी पार्क के अंदर आयोजित किया है, जिसके अंदर हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फिरोज खान जी एनएसओ के भाग लेंगे, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी सम्माननीय तरुण कुमार जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीसीसी से एनएसओ के इंचार्ज राजस्थान के और विधायक धीरज जी गुज्जर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंद्राज जी गुजर, बालेंदु जी शिकावत, अनेक कांग्रेस जयपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रताप जी खात्रियावास जी ये इस रैली को संबोधित करेंगे और आने वाले समय में इस सरकार को जगाने का काम आज राजस्थान का छात्र करेगा।